Beautiful people, I'm Oshin and welcome back to my channel. So guys, in this video I'm going to share my experience of KBC and isme main aapko starting se leke ant tak bataungi ki mere kya experiences the, because mera bahut hi acha experience tha and iske baad main aapke sath pura process share karungi KBC का, बिकॉज मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आ रहे हैं कि आप पूरा प्रोसेस बताइए, तो मैं पूरा प्रोसेस आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में. सो गाइज, इफ यू रियली लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो. सो गाइज, मेरा केबीसी का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था एंड अगर मैं इसे एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो इट वॉज ग्रेट एंड अभी तक की लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट मेरे वहीं पे थे. सो गाइस, अब शुरू से स्टार्ट करते हैं. तो गाइस, मुझे मेरी शूट जब मुझे वहां पे पहुंचना था केबीसी के लिए, तो मुझे उससे लगभग 15 डेज पहले कॉल आ गया था. मैं एग्जैक्ट डेट्स यहां पे रिवील नहीं कर सकती एंड जो मेरा एपिसोड रिलीज हुआ उससे कुछ 10 या 12 दिन पहले मेरी शूटिंग हो गई थी. आप इसका अंदाजा लगा ही सकते हैं. सो गाइज, उसके बाद क्या होता है कि जब मुझे मुंबई पहुंचना था, उससे पहले मुझे वहां से फ्लाइट्स की टिकट आई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या फ्लाइट के जो एक्सपेंसेस थे वो आपने पे किए थे. नहीं, मैंने कुछ भी पे नहीं किया था. वहां पे रहना, खाना पीना एंड फ्लाइट्स के एक्सपेंसेस एंड जो आपके स्टूडियो तक जाने वगैरह का एक्सपेंसेस होता है वो सब कुछ केबीसी टीम देती है. एंड यहाँ आपका जो इसमें सिर्फ एक ही एक्सपेंस लगेगा वो क्या रहेगा कि आप जो घर से एयरपोर्ट तक जा रहे हैं सिर्फ आपको वही पे करना पड़ेगा. सो गाइस, बहुत सारे आपको ऐसे फ्रॉड कॉल्स आते हैं कि आप वहाँ पे आपका नंबर लग गया है, आप इतने पैसे दे दो एंड आपको 25 लाख की लॉटरी लगी है केबीसी की तरफ से, आप इतने पैसे जमा कर दो. ये सब एकदम फ्रॉड है. केबीसी आपसे एक पैसे की डिमांड नहीं करता है. सारे एक्सपेंसेस जब आप वहां पहुंचते हैं तो वो वही उनके तरफ से ही उठाए जाते हैं. आपके और आपके साथ एक कंपेनियन का भी सब कुछ फ्री होता है. सो गाइज, मैं वहां पहुंचती हूँ तो गाइज बहुत ही सब कुछ बहुत ही अच्छा रहता है. सारे अरेंजमेंट्स बहुत ही अच्छे थे एंड आप एक वीडियो देखते हैं हर एक कंटेस्टेंट की जो उनके घर जाकर शूट की जाती है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल बना दिया था उन लोगों ने, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर थी, मैं शूट पहले से करती थी, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि तुम छोटी छोटी क्लिप्स पहले से ही शूट कर लो एंड ये सारी चीजें आप शूट करके रख लो अपने फोन पे. लाइक आपकी पूरी जर्नी, आप फ्लाइट में क्या कर रहे हैं एंड आप कितनी एक्साइटेड हैं, आप क्या क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सब आप शूट करके रख लो. तो मैंने ये सब शूट करके रखा. देन जब मैं वहां पे पहुंची तो सारे कंटेस्टेंट का ऐसा होता है कि वो घर आते हैं शूट करने या फिर होटल रूम में ही शूट करते हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा हो गया कि उन लोगों ने मुझे पूरा मुंबई घुमाया एंड मुझसे ब्लॉगिंग करवाई एंड यही चीज मेरी दिखाई गई थी उस वीडियो में. तो ये चीज थोड़ी स्पेशल थी मेरे लिए बिकॉज मुझे पूरा मुंबई भी घुमाया गया एंड मुझे एबी सर का पुराना और नया घर दिखाया गया, मुझे शाहरुख खान जी का घर दिखाया गया, मुझे सलमान खान जी का घर दिखाया गया एंड रोहित शेट्टी जी का और बैंड स्टैंड एंड जुहू चौपाटी, जुहू बीच. तो जिस दिन हम जुहू बीच गए थे ना, तो उस दिन बहुत हाई टाइड्स थी तो बीच तो वहां से गायब ही हो गया था. तो और लिंकिंग रोड लेकर गए, मैंने वहां पे शॉपिंग वगैरह भी की थोड़ी सी. तो मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था एंड दिन भर हमने वो शूटिंग की एंड उसके नेक्स्ट डे हमने आराम किया और उसके नेक्स्ट डे थी मेरी शूटिंग. सो गाइस, शूटिंग के लिए सुबह सुबह जल्दी निकलना पड़ता है एंड जब आप वहां पे पहुंचते हैं गाइस, तो सबसे पहले चीज होती है सेट. जो सेट है वो इतना ज्यादा खूबसूरत है एंड यू नो, हम जैसे आम लोग जो हमने कभी पहले इससे पहले शूटिंग्स नहीं देखी, इतने बड़े बड़े सेट्स नहीं देखे, तो आप अगर सेट देखेंगे ना तो अमेज्ड ही रह जाएंगे. बहुत ही अमेजिंग सेट है. जो वहां की लाइट्स है, साउंड है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है. एंड इसके साथ साथ गाइस, जब आप वहां जा रहे हैं, अभी कोविड का टाइम है तो आपकी सेफ्टी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है एंड टाइम टाइम पर आपको पूरा सैनिटाइज किया जाता है. एंड वहां जाने के पहले भी मेरा RT-PCR हुआ था, वहां पे भी मेरा RT-PCR हुआ था, जब मैं आ रही थी तब भी RT-PCR हुआ था. बिकॉज आप एक लेजेंड के सामने जाने वाले हैं तो आपकी सेफ्टी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जाता है. देन आप
आपने अपना ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आप रेडी वगैरह हुए एंड आपके हेयर स्टाइलिस्ट एंड मेकअप मैन वहाँ पे होते हैं, तो आपका थोड़ा बहुत एकदम सिंपल सा मेकअप किया जाता है, सिंपल से आपको डिसेंट कपड़े होने पहने पड़ते हैं बिकॉज आप इतने रिस्पेक्टेबल शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद आता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। सो गाइस, फर्स्ट जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है तो उसमें मेरे दो क्वेश्चन सही रहते हैं, बट मैं सबसे टॉप पर नहीं रहती हूँ। एंड थर्ड मेरा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का जो क्वेश्चन था वो रॉन्ग हो जाता है एंड फर्स्ट टाइम पे पंकज जी आते हैं हॉट सीट पर एंड उसके बाद उनका खेल चलता है। देन वो जब उतरते हैं हॉट सीट से तो सेकेंड फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट भी फर्स्ट ही डे होता है, वो सबसे ज्यादा डरावना होता है क्योंकि वहां पे उस वक्त इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है जितना आपको हॉट सीट पे भी फील नहीं होता, क्योंकि वहां जाकर उस हॉट सीट तक जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहां गए और हॉट सीट पर नहीं आ पाए तो ऐसा लगता है कोई चीज हाथ पर आई लेकिन मुंह में नहीं लगी। तो गाइज, मेरा फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो इजी था एंड वो क्वेश्चन था कि शक्ति कपूर की बेटी का क्या नाम है, तो इसका आंसर सभी लोगों ने दिया लेकिन सबसे फास्टेस्ट जो था वो मैंने दिया। जो सेकंड क्वेश्चन था वो था कि नेवी में इनमें से कौन सा रैंक नहीं होता है, तो ये इट्स अ बिट टफ क्वेश्चन, इसका भी आंसर मैंने दिया लेकिन मैं सबसे फास्टेस्ट नहीं थी एंड मैं थर्ड रैंक पर आ गई थी। एंड उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि इस चीज में ना आपको आंसर शायद पता हो लेकिन माइंड प्रोसेस बहुत तेजी से करना चाहिए। जो थर्ड क्वेश्चन था वो था कि इनमें से कौन सी चीज महाभारत में सबसे लास्ट में होगी, तो अलग 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 सीन्स दिए थे एंड उन सीन्स को अपने माइंड में जल्दी से लाना एंड फिर आपको क्लिक करना कि वो लास्ट में क्या चीज हुई थी, क्या पहले हुआ था, जल्दी से सोचना एंड फास्टेस्ट भी रहना है और एक्यूरेसी भी रखना है, तभी आप हॉट सीट पर पहुंच पाएंगे। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस स्लॉट में मैं सबसे ज्यादा यंगेस्ट थी और जो सारे लोग थे वो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड थे, मैं कोई बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं हूँ लेकिन ये आंसर भी मैंने सबसे फास्ट दिया था। एंड फिर उसके बाद जो रैंकिंग बनती है फिर से, तो मैं सबसे टॉप पर आ जाती हूँ एंड जब मैं हॉट सीट पर जाती हूँ गाइज तो कुछ देर के लिए ब्लैंक थी मैं, आपका सदी के महानायक आपका नाम पुकार रहे हैं तो आपको अपने सेंसेस पे विश्वास नहीं होगा, इतने ज्यादा कैमराज होते हैं, जो साउंड होती है, लाइटिंग होती है, सब कुछ एकदम आप पे फोकस हो जाते हैं, तो कुछ देर के लिए मुझे मेरे सेंसेस पे विश्वास नहीं हुआ बट फिर मैं आती हूँ हॉट सीट पर आकर बैठती हूँ एंड उसी दिन फिर क्या होता है, समय खत्म हो जाता है पहले दिन का। उसके बाद गाइस नेक्स्ट डे के लिए मैं रोल ओवर हो जाती हूँ, फिर मैं जाती हूँ, मैं अपना लंच वगैरह करती हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट डे के लिए रेडी होती हूँ एंड गाइस फिर मैं आ जाती हूँ सेकेंड डे का अपना खेल खेलने। मैं आते ही साथ एंड फिर जो मेरी एंट्री होती है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज मेरी जो एंट्री दिए थे वो ब्लॉगिंग करते हुए दिए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसी कुछ स्पेशल एंट्री मेरे लिए क्रिएट की गई है। फिर जो मेरी ब्लॉगिंग करते हुए एंट्री थी एंड हम आकर बैठते हैं फिर हॉट सीट पर, तो वो चीज़ बहुत स्पेशल थी मेरे लिए क्योंकि कुछ स्पेशल सोचा सोनी टीवी ने मेरे लिए। फिर हम हॉट सीट पर आके बैठते हैं एंड फिर सवालों का दौर स्टार्ट होता है, एबी सर हंसी मजाक भी करते हैं बीच-बीच में एंड बीच-बीच में बहुत सारी बातें भी होती हैं, कुछ चीज़ें कट हो गई, कुछ चीज़ें आ पाई, लाइक उन्होंने मेरे नाम का भी मतलब पूछा था, देन उसके बाद उन्होंने वो तारीफ भी की थी बट वो चीज़ कट हो गई, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चंस मुझे आते थे लेकिन वहाँ पे बैठ के फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी आपको ऐसे लगते हैं आपने बहुत अच्छे से भी पढ़े हैं ना, बट उस सीट में उतना प्रेशर होता है कि आप ये चीज हमने पढ़ा तो है बट क्या मैंने सही ही पढ़ा है, ये चीज होती है वहां पे बैठ के, क्योंकि वहां पे एक भी आंसर गलत हुआ आप सीधे लौट जाएंगे वापस। सो गाइज, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है लेकिन फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चंस मेरे सही थे। फिफ्थ क्वेश्चन पॉलिटिक्स का था एंड मैंने उस पर लाइफ लाइन ली, कुछ लोगों ने बोला काफी इजी क्वेश्चन था एंड बाद में, लेकिन वहां पे आपको कुछ समझ में नहीं आता है, अगर आप श्योर नहीं है तो लाइफ लाइन लोगे, मेरे को नहीं पता था, सही वाली बात है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था तो मैंने लाइफ लाइन ली।
20,000 का क्वेश्चन था, देन वो मुझसे बना एंड देन आया 40,000 का क्वेश्चन. उस क्वेश्चन ने मेरा गेम को पलट दिया था, क्योंकि वो क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन था उसके बाद मैं ब्लैंक हो गई थी. एक ही क्वेश्चन में मुझे दो लाइफ लाइन लेनी पड़ी. एंड फर्स्ट क्वेश्चन था यूट्यूबर का, एक यूट्यूबर की फोटो दिखाई गई थी, वो मुझसे नहीं पहचानने बनी. एंड सेकेंड क्वेश्चन था ऑस्कर अवार्ड का, उसका आंसर था प्रियंका निक जोन्स जी, तो ये मुझे नहीं पता था. एंड यहाँ इस क्वेश्चन के बाद मेरा पूरा गेम पलट गया एंड मैं ब्लैंक हो गई थी. मैं सच में बताना चाहूंगी, मुझे याद नहीं था मैं कितने क्वेश्चन खेल चुकी हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन किस राशि का है. आई स्वेयर मैं इसके बाद इतनी ब्लैंक हो गई थी. 80,000 का क्वेश्चन ईजी था बट मैं ब्लैंक हो चुकी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था. अगेन मुझे शायद मैं अगर इससे पहले मैंने दो दो लाइफ लाइन नहीं खर्च की होती तो वो क्वेश्चन का आंसर मैं दे देती कार्बोहाइड्रेट वाला, तो मुझे पता होता कि कार्बन ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन ही तो होगा. लेकिन वहां पे भी मेरी एक लाइफ लाइन गई. देन मैंने अपने आप को काम डाउन किया. 1,60,000, 3,20,000 एंड 6,40,000 का आंसर मैंने दिया. आई एम वेरी हैप्पी. अब जो चीज हो चुकी है उस चीज को हम बदल नहीं सकते, तो जो भी था वहां पे एटलीस्ट मैं वहां तक पहुंची तो. एंड यू नो जो सिलेक्शन होता है वो करोड़ों लोगों में से होता है, तो हम करोड़ों कई करोड़ों लोगों को पीछे छोड़ के वहां पे पहुंचते हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं वहां तक पहुंची. एंड 6,40,000 मेरे जैसे इंसान के लिए बहुत ही बड़ी रकम है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान को इतना पैसा जोड़ने में बहुत टाइम लग जाता है और ये चीज मेरे पास एकदम से आ रही है. तो जब मैं हॉट सीट से उतरी एंड फर्स्ट मैं अपने बैक स्टेज पर गई और फिर मैं अपनी मम्मा से मिली, तो मेरी मम्मी ने बोला तुमने बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छा किया कि तुमने कहीं पे रिस्क नहीं लिया, क्योंकि रिस्क लेते एंड नीचे आ जाते या बहुत ही कम रकम लेकर आते तो वो हमें बहुत ही बुरा लगता. लेकिन 6,40,000 भी बहुत बड़ी रकम है हमारे जैसे लोगों के लिए. तो मम्मी ने बोला बहुत अच्छा खेला. मुझे कहीं ना कहीं उस समय लग रहा था कि शायद वो दो लाइफ लाइन अगर मेरी वहां वेस्ट ना होती तो एक आध क्वेश्चन तो मैं और लेकर आती तो शायद प्राइस मनी डबल हो जाता. बट कोई बात नहीं, इतना भी बहुत है. एंड ये जो फेस टीवी पे आना ये भी बहुत बड़ी बात है. उसके बाद मुझे लग रहा था थोड़ा थोड़ा, उसके बाद केबीसी टीम ने मुझसे बात की एंड क्रू मेंबर्स ने मुझसे बात की, तो उन्होंने बोला कि तुम इतनी यंग हो अभी एंड अभी तुम्हारे सामने पूरी लाइफ पड़ी है एंड इतनी यंग एज में तुम्हारा ये वाला सपना पूरा हो गया, अभी जिंदगी में बहुत कुछ मिलेगा तुम्हें. और उन्होंने बोला तुमने बहुत अच्छा खेला, बहुत ही अच्छा खेला. एंड उनके बारे में सोचो जो यहाँ तक पहुँच के हॉट सीट पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि गाइज जब हमें केबीसी से कॉल आता है तो कि हम फाइनली फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सेलेक्ट हो गए, तो कभी दिमाग में ये बात नहीं आती कि हम हॉट सीट तक नहीं जा पाएंगे. तो गाइज फिर मुझे बेटर फील हुआ एंड उसके बाद अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा. एंड काफ़ी लोग मुझे अभी ट्रोल भी कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि तुम मारे 6,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और तुम एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के गई थी वहाँ पे. तो मैं उन सब के लिए एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जब मैं केबीसी में गई थी तो मेरे 900 फॉलोअर्स थे, लेकिन सोनी टीवी बहुत ज्यादा शॉर्ट था कि वो मुझे एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इंट्रोड्यूस करेगा. तो वो लोग बहुत ही बड़े थे एंड उनके सामने वो लोग जो मुझे ट्रोल कर रहे हैं वो लोग कुछ भी नहीं है, तो उनको अगर फर्क नहीं पड़ा या उनको कोई बुरा नहीं लगा ऐसा इंट्रोड्यूस करने में, तो आपको क्यों लग रहा है. सेकेंड चीज, लोगों ने बोला आपके क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे एंड आपने बहुत ही गधी की तरह खेला आपने और बहुत घटिया खेल खेला, मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं. तो पहले वहां तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है एंड मैं वहां पे पहुंची, मुझे इस चीज की बहुत खुशी है. और मैंने जितना जीता मेरे ज्ञान से जीता, तो मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है. और आप कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि आपने सिर्फ लाइफ लाइन की दम पे वहां पे पहुंची, तो मैंने 11 क्वेश्चंस खेल कर आए हैं तो, और मैंने लाइफ लाइन सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस में ली है, तो बाकी के 8 क्वेश्चंस कहां से दिए मैंने, कौन सी लाइफ लाइन थी मेरे पास.
एंड जो बाकी की चीज़ें हैं, बाकी मुझे बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, और बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि आपका स्टेज पे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और जो वहाँ का एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था, एक ड्रीम के जैसा था जो मैंने जिया। और एक लास्ट बात, वहाँ जब आप पहुँचते हैं ना, जो आप वहाँ पे फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो वो चीज़ ना सच में करोड़ों रुपए के बराबर है। एंड आई कैन फील इट, क्योंकि मैंने वो चीज़ जो वहाँ देखी, जो महसूस की, वो सच में प्राइसलेस है। और वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, वो मेरे दिल में हमेशा रहेगी, कभी खर्च भी नहीं होगी। पैसा तो खर्च हो जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है, वो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आने वाला है कि KBC का क्या प्रोसेस था। तो मैं पूरा प्रोसेस आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा दूंगी, एंड आप उस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल मिस नहीं करना। मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगी, और मैंने क्या गलतियां की जो मुझे नहीं करना था, वो भी मैं बताऊंगी। तो इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज गिव मी अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो। सो वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बी ब्यूटीफुल, बी सेफ।